हॉट पॉट सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे इजी कुक हलीम। हलीम बच्चों और बड़ों की पसंद। इसे रवायती तरीके से बनाना एक लंबा और खासा मेहनत तलब काम है। घर वालों की फरमाइश हो और फौरन हलीम बनाना मकसूद हो तो हमारी इस रेसिपी को फॉलो करें। 30 मिनट में बेहतरीन हलीम तैयार। इंग्रेडिएंट्स: चिकन हड्डी वाला 400 ग्राम, इजी कुक हलीम मिक्स 1 बॉक्स, नमक 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल 1 कप, सब्ज मिर्च कटी हुई गार्निशिंग के लिए, नींबू गार्निशिंग के लिए, प्याज 4 अदद दरमियाने, अदरक की काशें गार्निशिंग के लिए। तो शुरू करते हैं। बाजार में मौजूद अपने पसंदीदा ब्रांड का इजी कुक हलीम ले लीजिए। बॉक्स खोलने पर आपको 2 पैक मिलेंगे। बड़े पैक में अनाज और दालें पिसी हुई और छोटे पैक में मसाला जात मौजूद होंगे। एक बड़े बाउल में 1 लीटर पानी लें। अनाज और दालों का पैक इसमें शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स कीजिए और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। एक पतीली लें और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डालकर गरम करें। अब 3 से 4 दरमियाने प्याज काटकर फ्राई करेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करें। तला हुआ प्याज निकालकर अलहदा रख लें। बर्तन में मौजूद बाकी ऑयल में 300 से 400 ग्राम हड्डी वाला चिकन फ्राई करें। एक कप पानी शामिल करें। इजी कुक हलीम के बॉक्स में मौजूद मसाला के पैक को शामिल करें। हलीम चटपटी हो तो ही अच्छी लगती है, इसलिए 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून नमक इजाफे शामिल करें। ये जायके को मजीद मुनफरिद करेगी। अच्छी तरह भुने। गोश्त गल जाए तो निकाल कर अलहदा कर लें। गोश्त से हड्डियां निकाल दें और इसे दरमियाना पीस लें। बर्तन में मौजूद ग्रेवी में भीगी हुई अनाज और दालों का मिक्सचर बमार पानी शामिल करें। कप मजीद पानी शामिल करें और अच्छे से पकाएं। दस से 12 मिनट में आप देखेंगे अनाज और दालें फूलना शुरू हो गई हैं। अब इसमें मैश किया हुआ चिकन शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स करें और 10 मिनट मजीद पकाएं। लीजिए, गर्मा गर्म मजेदार हलीम तैयार हो चुकी है। आप अपनी पसंद के मुताबिक देसी घी का बघार भी लगा सकते हैं।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली रेसिपीज आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉटपॉट सीक्रेट्स।